अगर देखा जाए तो हर किसी माँ की चाहत होती है कि वो अपने बच्चे की परवरिश में कोई कसर ना छोड़े। इसीलिए तो बहुत सी माओं का मानना होता है कि काजल लगाने से बच्चे हेल्थी बने रहते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि काजल छोटे बच्चों को बुरी नज़र से भी बचाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस काजल का इस्तेमाल आप अपने बच्चे की खूबसूरती और उसकी सुरक्षा के लिए कर रही हैं, वही काजल आपके बच्चे के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन्हीं खतरों के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अक्सर आप देखते होंगे कि जब शिशु की आंखों में काजल लगाया जाता है तो उसकी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, जिससे बच्चों में इन्फेक्शन होने का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा शिशु को रोजाना काजल लगाने से काजल धीरे धीरे शिशु की आंखों में जमने लगता है, जिससे शिशु को खुजली होने लगती है, धुंधला दिखाई देने लगता है या फिर एलर्जी जैसी समस्या हो जाती है। साथ ही अगर काजल में लेड अधिक मात्रा में हो तो ये शिशु के दिमाग के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, जिससे कि दिमागी विकास अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने शिशु की आंखों में काजल लगाना चाहती हैं तो शिशु के लिए घर का बना काजल ही इस्तेमाल करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि अगर काजल लगाने के बाद शिशु आंखों को मसलता है, इसका मतलब उसे जलन हो रही है, तुरंत उसकी आंखों से काजल को हटा दें, वरना उसकी आंखें ड्राई हो सकती हैं। निक्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।